जिस चौधराहट के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री सीना ठोक कर कह रहे हैं कि वो लेबनान के हिजबुल्ला को सबक सिखाकर ही रहेंगे, उसे देखकर ऐसा लगता है कि आईडीएफ हिजबुल्ला के खिलाफ कभी भी जंग का ऐलान कर सकती है, क्योंकि हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इजराइल बुरी तरह से जल रहा है। लेकिन क्या हकीकत में इजराइल के लिए हिजबुल्ला के साथ सीधा युद्ध करना इतना आसान होगा? और अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो क्या इजराइल हिजबुल्ला को हरा पाएगा? आपको बता दें कि ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही अभी किसी के पास हो, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए इजराइल के लिए हिजबुल्ला के साथ सीधा युद्ध करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान कह चुका है कि अगर इजरायली सेना लेबनान के भीतर घुसी तो वो उसके लिए नर्क साबित होगा, जहां से आईडीएफ की वापसी नहीं होगी। ये बयान ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बागेरी कानी ने दिया था। उन्होंने अपने बयान से साफ कर दिया था कि ईरान हिजबुल्ला के साथ खड़ा हुआ है और अगर युद्ध हुआ तो ईरान सीधे तौर पर जंग में उतर जाएगा। और अब इसी कड़ी में इराक के प्रतिरोधी समूह का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि हाल ही में प्रतिरोधी समूह ने इजराइल के इलत शहर पर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के बाद से ही इराक के अहल अल हक प्रतिरोधी समूह के नेता कायस अल खजाली ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हिजबुल्ला पर हमला किया तो हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रणनीतिक सैन्य अड्डों पर हमला करेंगे, यहाँ तक कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों पर हमले किए जाएंगे। कायस ने आगे कहा कि यदि अमेरिकी इजराइल को समर्थन जारी रखते हैं और दुश्मन यहूदी अपने हमले को लेबनान और हिजबुल्ला पर बढ़ाते हैं तो इलाके में अमेरिकी हितों और इराक में उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इजरायली शासन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली उनकी चरमपंथी दक्षिणपंथी सरकार से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ लेबनान की संसद के स्पीकर और अमल मूवमेंट के चेयरमैन नबीह बेर्री ने कहा कि अगर इजराइल युद्ध छेड़ता है तो हम हिजबुल्ला के साथ खड़े हैं, हम लेबनान की धरती पर लड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर इजराइल ने जमीन से लेबनान में घुसकर हमला किया तो हम हिजबुल्ला के साथ सेना में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लेबनानी संसद के स्पीकर नबीह बेर्री इजराइल के साथ युद्ध को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगला महीना हमारे लिए निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि मैं हालातों के नियंत्रण से बाहर जाने को लेकर बेहद ही चिंतित हूं। हम एक संवेदनशील और जटिल स्थिति में हैं और यथास्थिति आश्वस्त करने वाली नहीं है। मैंने राष्ट्रपति जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के लिए राजदूत एमोस होचस्टीन से मुलाकात की थी और तेल अवीव के उनके दौरे पर मैं उनकी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, हालांकि ये नहीं हुआ और इससे इलाके में तनाव कम करने को लेकर अमेरिकी प्रयासों पर शक पैदा होता है। आपको बता दें कि नबीह बेर्री का ये भी कहना है कि एमोस ने जब उनसे मुलाकात की थी तो उस वक्त उन्होंने हिजबुल्ला से बॉर्डर से 8 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कहा था, जिससे स्थिति शांत हो। हालांकि नबी का कहना है कि मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि इजरायली सेना को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इजराइल सुरक्षा परिषद के 1701वें रेजोल्यूशन का उल्लंघन कर रहा है और हम इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।